अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है मुगलाई चिकन। तो आइए हम बनाते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन मुगलाई। उसके लिए मैंने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है। इसको हम मेरीनेट करेंगे मसालों में। सबसे पहले मैं डालूँगी नमक। एक टीस्पून नमक लिया है मैंने। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और एक टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सब मसालों को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन में मैंने अच्छे से मसाले लगा दिए हैं। अब एक घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। चिकन को मसाला लगाते हुए एक घंटा हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने से पहले मैं यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं खड़े गर्म मसाले डाल रही हूँ। मैंने दो तेज़पत्ता डाले हैं, काली मिर्च डाली है 5-6, बड़ी इलायची डाली है 1, लौंग डाली है 4, हरी इलायची डाली है 3 और दालचीनी। इसको हम थोड़ा हो जाने देंगे तेल में। देखिए खड़ा गरम मसाला हो गया है फ्राई। अब मैं यहाँ पर चिकन के पीस डाल दूंगी। पूरा चिकन मैंने तेल में डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी भी सूख जाए और ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए। फ्राई हो रहा है जब तक मैं आपको मसाले बता दूँ। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इस तरह से उसको तल के रखा है। दही लिया है आधा बाउल। मैंने 10 काजू ली है, 6 बादाम ली है और 2 टेबल स्पून नारियल का बूरा आता है वो लिया है। इन सबको हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। तली हुई प्याज, काजू, बादाम और नारियल का बूरा और दही को पेस्ट इस तरह से पीस के पेस्ट बना लिया है। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है। ये देखिए इस तरह से फ्राई भी हो गया है थोड़ा। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज और ये सब पीस के रखा है ये डाल दूंगी। इसको हम मिक्स कर देंगे चिकन में। चिकन में मैंने पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे कि हमारा मसाला अच्छे से भुना जाए। मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने चिकन में जब मसाले लगाए थे तब भी डाला था, इसलिए आप ध्यान से डालिए नमक। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर हमने चिकन में भी लगा के रखा था। 2 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भुनाने देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से भुनाने देंगे कि हमारे मसाले भी अच्छे से भुना जाए और चिकन भी गल जाए। इसको ढककर हम पकने देंगे 10 मिनट तक। देखिए अब हम खोल के देखते हैं, हमारे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा मसाला भुना रहा है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। मैंने मलाई ली है फ्रेश, आप फ्रेश क्रीम भी रह सकते हैं, ये डाल दूंगी मैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है, इसका तरह से बीच में से काट ली है उसको, वो डालूंगी। और थोड़ी सी तली हुई प्याज मैंने उठाई थी वो भी डाल दूंगी। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। आप इस तरह से मुगलाई चिकन पकाइए, बहुत अच्छे टेस्टी बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसको थोड़ी देर 5-10 मिनट हम पकने देंगे। हमारा चिकन 10 मिनट हो गए हैं और अच्छे से पक भी गया है और गल भी गया है। अब मैं सबसे लास्ट में डालूंगी गरम मसाला 1/2 टी स्पून और हरा धनिया। अब मैं यहाँ गैस को बंद करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। हमारा चिकन मुगलाई बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई भी करा है तो बहुत टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस तरह से चिकन मुगलाई ज़रूर बनाइए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।